इस लॉकडाउन के सिचुएशन में अपने दर्शकों का कोई एंटरटेनमेंट करे या न करे, लेकिन अपने फैंस का एंटरटेनमेंट करने पवन सिंह आ चुके हैं। जी हाँ, अब तक तो इस लॉकडाउन में उन्होंने अपने गानों से लोगों का एंटरटेनमेंट किया, लेकिन अब पवन सिंह जल्द ही एक अपने एल्बम की शूटिंग करने वाले हैं। आपको बता दें कि अपने इस एल्बम की शूटिंग पवन सिंह अपने आरा वाले नए घर में ही करेंगे। वहाँ पर पवन सिंह का स्टूडियो भी है। कई ऐसे गाने रिकॉर्ड कर उसे इस लॉकडाउन के सिचुएशन में अपने फैंस के लिए वह यूट्यूब पर रिलीज़ किया। और अब पवन सिंह तैयार हो चुके हैं अपने वीडियो शूट के लिए। उसके लिए तो पवन सिंह ने अपना नया लुक भी लोगों के सामने रिलीज़ कर दिया है। आप देखिए कि कितने डैशिंग लग रहे हैं पवन सिंह। वैसे इसके पहले पवन सिंह ने खुलासा किया था कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा वो सबसे पहले मुंबई आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पवन सिंह को ये पता है कि ये लॉकडाउन अभी काफ़ी लंबा चलने वाला है। इसलिए पवन सिंह ने अपने फैंस के लिए ये सौगात दी है कि वो अपने आरा वाले नए घर में ही अपने वीडियो रिकॉर्डिंग की शूटिंग करेंगे, यानी कि जो वीडियो शूट होगा उसकी शूटिंग करेंगे और उसे रिलीज़ भी वो वहीं से करेंगे। जी हाँ, माँ अम्बा जो उनका यूट्यूब चैनल है उसी से उस गाने को वो रिलीज़ भी करने वाले हैं। वैसे पवन सिंह का ये नया लुक देखकर उनके फैंस खुशी हो गए होंगे, क्योंकि अब पवन सिंह का जल्द ही उन्हें वीडियो भी देखने को मिलेगा। वैसे पवन सिंह के सारे जो ऑडियो रिलीज़ हुए थे उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया था, और अब जब वीडियो रिलीज़ होगा तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी बड़ी बम्पर ओपनिंग के साथ रिलीज़ होगा। यानी कि काफ़ी अरसे बाद पवन सिंह का कोई नया वीडियो आएगा, जिसका इंतज़ार भाई पवन सिंह के सारे फैंस कर रहे हैं। और इसके लिए पवन सिंह तैयार भी हो चुके हैं नए लुक में। पवन सिंह आरा के सैलून में गए और वहां पर उन्होंने ये नया लुक लिया है। अब देखते हैं कि उनका ये एल्बम कितनी जल्दी आता है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।